हेलो, आपसे मुझे बात करनी है। मैं कल आऊँ क्या? हाँ, आज ही मिलेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आता हूँ। आइए। नमस्ते। बेटी, ये क्या, घर आए मेहमान का स्वागत करना चाहिए, गुस्से में नहीं जाना चाहिए। आओ बेटा, कॉफी लेकर आओ। ठीक है। देखो बेटा, ये मेरी बहन है। नमस्ते। आपके पिता से शादी होने वाली थी। आपके खानदान में लड़की नहीं देना, इसलिए झगड़ा कर रही है। वो सब तो छोड़ो, मेरे खानदान में शादी चित्रा और पूर्णिमा मुहूर्त में होती है, तो ये शादी भी उसी मुहूर्त में हो तो अच्छा है। ये क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे वजह है। मुझे पता चला है कि तुम्हारे घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ के लड़के लोगों का भी इरादा कुछ ठीक नहीं है, बस एक दो महीने की ही तो बात है। अगर जहर पीने की वजह से कुछ हो जाता तो क्या करते हम लोग? हाँ, तो फिर हम सब लोग यहाँ पर क्यों हैं? उसे किसी और से शादी करने के लिए छोड़ देंगे क्या? हाँ सही कहा, समझाइए इसे। तू घबरा मत, वही तेरे गले में मंगलसूत्र डालेगा और इसे कोई नहीं बदल सकता। आप लोग बैठकर चुप रहेंगे? क्या क्या समझते हैं आप लोग अपने आप को? वही तेरा पति है, पति है कहकर कर बड़ा किया और अब जले पर नमक छिड़कने आई हो? मुझे शादी नहीं करनी। तू वहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ के बैठ, ये तो रोज का नाटक है। चुप हो जाओ सब लोग। अगर आज की बात मैंने किसी के भी मुंह से उसकी बात सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माणिक राव की बेटी आखिर भला जहर कैसे पी सकती है? आपको हार्ट अटैक आया ये झूठ बोलकर वहाँ जाकर चित्रा पूर्णिमा में शादी की तारीख पक्की करके आइए, ये बेइज्जती है। मैं क्यों जिंदा रहूँ? क्यों जिंदा रहूँ मैं? चलो आप लोग निकलो, हम तीनों के मरने के लिए कुआं नहीं मिलेगा क्या? कुएं में पानी खत्म हो गया है। पानी नहीं तो क्या हुआ, नागफनी के बीच में अंदर? ए बता, टाइम क्या हुआ है? 10 बज रहे। 10 बजे भी पकड़ा गया तो फिर 12, 2 घंटे के अंदर यहाँ भीड़ जमा हो जाएगी। सर्कस दिखानी है क्या? हाँ सर्कस ही दिखाएंगे, अभी देखते जा। चुप, जीजा जी, जीजा जी। अरे इसकी बेटी हॉस्पिटल में थी ना, तब खरीद लिया होगा। शहर में दुकान ढूंढना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, पर पता नहीं इसे कैसे मिल जाता है, समझ में नहीं आता। ये तो आपकी प्रॉब्लम है। ये सिर्फ मेरा ही नहीं पूरे राज्य का प्रॉब्लम है। जीजा जी बाहर आइए ना, जो भी बात है समझौता कर लेते हैं। जीजा जी पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है ना, इतने साले साली होने के बाद भी तुम लोगों ने आखिर कर क्या लिया है? तुम लोगों ने शादी के लिए हाँ कह दी क्या? ये मुझे पता नहीं है क्या? मिक्सर, मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक है, ये बुद्धिमान का पति हमेशा बिजी रहता है, पता नहीं क्या दिखाना चाहता है हमें। वी आर लिमिटेड एडिशन, अगर काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से मिलेगा? इंग्लिश। ए भाई देख देख, मैं मरने वाला हूँ, बहुत सालों से मेरे दिल में जो बातें हैं वो बोलकर मर जाऊँ क्या? यस ब्रो, मेहरबानी करके सफारी सूट को उतार दे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी मैयत में धोती कुर्ते में आएगा कि नहीं आएगा, बोल। हाँ क्या हुआ? बार बार एक ही बात कर रहे हैं, आप अंदर जाइए ना। बुद्धिमान का तो मैं थोबड़ा तोड़ के रहूंगा। मुझे लगता है ये फिर से मुसीबत खड़ी करने वाला है। आप जरा चुप रहिए, और भड़का रहे हैं आप तो। क्या है सुनिए, ये क्या है? अरे ये कहाँ ले जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इसके क्या क्या करेंगे? अरे ये क्या करेंगे? सबको बहुत जल्दी है ना, तो मैं यहीं पर मर जाता हूँ। अरे ए, अरे तेरी जेब में जितने पैसे हैं वो सारी वाले को दे दे, मेरा अंतिम संस्कार। अरे छोड़ ना, मुझे मारने दे। अरे छोड़, अरे मैं मरने जा रहा हूँ, क्या कर रहे हो? कौन सकता है? अरे अरे तू भी मर, क्या हो रहा है? मैं भी मरूंगा, कहाँ है? मरना है आपको और भिगो रहे हैं हम लोगों, हम भी मर जाएंगे दो साथ में। ये तो छोड़, अरे जाओ पानी लेकर आओ, जाओ जाने दो मुझे। छोड़िए, अरे अरे बाप रे, जाओ यहाँ से पहले भागो। शिवगामी है जो हमारे घर पर आकर हम पर राज करने वाली है। अरे रुके 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 रुके, आपके परिवार में इससे शादी करो उससे शादी करो दो हिस्से में बट गया है ना। देखिए यही आप लोगों की प्रॉब्लम है, परिवार में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में परिवार हो सकता है। वो चाहे किसी भी लड़की से शादी कर ले पर वो सोडा वाली इस घर में नहीं आएगी। हमारा भाई है, हमारे घर में ही शादी करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। ये तो फूट गया। चाली साहिबा, इतना ही बचा है क्या? भूखड़ कहीं का, कैसे ठूस रहा थू? तो उस गुड़ा सिंघम से प्यार करती है क्या? लड़कों ने बताया, मैंने विश्वास नहीं किया। हाँ मामा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। सुन, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। हाँ मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। तो उससे प्यार मत कर, ये तेरे लिए भी सही नहीं होगा और उसके लिए भी। मेरी जिंदगी का फैसला मैं ही करूँगी।
पहले उसके घमंड को मारना होगा, उसके बाद उसकी जायदाद को, फिर उसको मारूंगा। आराम से। ए, आवाज मत कर। सॉरी, उस दिन मैंने सिचुएशन समझे बिना ही तुम पर गुस्सा कर दिया। नाराज हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, अकेलापन महसूस हो रहा है। आवाज से लग रहा है कि तुम्हारा मूड खराब है। अरे बाप रे, मेरी आवाज सुनकर पता कर लोगी कि मैं किस मूड में हूँ? तुम्हारी आंखों को देखकर समझ सकती हूँ कि तुम किस मूड में हो। मुझे अभी तुमसे मिलना है। ऐसा है क्या? अच्छा, अपनी आंखें बंद करो। अपने रूम में सारा काम खत्म करके तुम मेरे लिए वेट कर रहे हो। फ्रेश होकर, तुम्हारी मनपसंद पिंक नाइटी पहनकर, तुम्हारे करीब सोकर, तुम्हें कस के पकड़कर, तुम्हारे माथे को चूम लिया, फिर तुम्हारी आंखों को और फिर तुम्हारे होठों को कस के चूम लिया। मेरी शोना, तुम्हें जल्दी घर पर लाकर, साड़ी पहनाकर, सिंदूर लगाकर तुम्हें बीवी के रूप में देखना चाहता हूं। मालिक, हमारे केले के सारे पेड़ों को नष्ट कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। हे भगवान, बदमाशों ने ये क्या कर दिया? किस बदमाश ने सब कर दिया? सब बर्बाद कर दिया। भगवान, अब क्या होगा? भगवान, हम तो लुट गए। क्या हो गया? मालिक, हमारे दोनों बैलों को किसी ने मार डाला। भगवान, बहुत बुरा हुआ मालिक, हमारे खेत उजाड़ दिए, हमारी बैल को मार दिया। अच्छा नहीं हुआ ये। जिंदगी में कभी कुछ नहीं। मुझे वहाँ पर देखने दो। बेटे रुक जा, रुक जा बेटा। देखा मेरी बात सुन, रुक जा। कुछ नहीं हो गया पापा। नहीं बेटा, पापा, अरे सर, बच्चा नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने बैलों को मार दिया। शांत हो जाओ। मालिक, बैलों को खेतों में दफना दिया है। देखिए मालिक, पहले ये कितने खूबसूरत लगते थे, अब चारों तरफ सन्नाटा हो गया है। भाई साहब, 5,000 केले के पेड़, 2 प्यारे प्यारे बैल, इतना सब कुछ खत्म हो जाने के बाद चाहे जितना बड़ा आदमी हो, दुख तो होता ही है। क्या सर, घर में इतना बड़ा मातम छाया है, परिवार वाले आए नहीं? किसी ने अलग कर दिया क्या? गुड़ा सिंघम, मातम है क्या? नदी के किनारे एक पेड़ कटवाने में तेरा हाथ था ना, और हो सकता है उसी गुस्से में मेरे लड़के ने तुम्हारे केले के पेड़ और बैलों को। तुम्हारे पूरे परिवार को मिटा दूंगा। बेटे को अंदर लेकर जाओ। मैं छोड़ूंगा नहीं। ए, केले का झाड़ क्या चीज है रे? भाई ने बोला तो आदमियों को काट डालता।
अरे अब यहाँ आ गए हो तो मुंह लटका के क्यों बैठे हो? हमारे अरसू जैसा लड़का मिलेगा क्या? मेला खत्म होने दो, देखो फिर इसका झंडा कैसे लहराएगा। मैं हमेशा आपकी मदद करूंगा, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक मांग सकते हैं। उसने सिर्फ अच्छा इंसान होने का ढोंग किया था, उसको अच्छी तरह सबक सिखाना होगा। आपकी बेटी की शादी उससे नहीं हुई इसलिए दुखी मत होइए, मैं कर लूंगा उससे शादी, अगर आपको एतराज ना हो तो। जरा इन्हें समझाओ। क्या सोच रहे हैं साड़ू भाई, ये खुद हाथ मांग रहे हैं। जब ये खुद आए हैं तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो गुणा सिंघम बहुत अहंकारी है। आपकी मर्जी, जैसा चाहो वैसा ही होगा। अरे हाँ कह दिया इन्होंने। दीदी, माँ चलो घर चलते हैं। माँ आपके बिना घर सुना सुना लग रहा है, मैं भी इतने दिनों से इंतजार कर रहा हूँ कि आप आओगी। माँ चलो ना। माँ घर में इतना कुछ हुआ फिर भी आकर देखने का मन नहीं किया आपको। माँ चलो ना। माँ दीदी, दीदी ए सुन, तू भी इनके साथ मिल गई है क्या? ए मुझसे बात नहीं करेगी, मुझसे बात नहीं करना चाहती है? दीदी ये माँ क्या बोल रही है? हमने कभी से नौकरानी की तरह रखा था? दीदी 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 मुझसे बात करो। दीदी मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, हमेशा मेरे सपोर्ट में बात करती थी ना, तो अब क्या हो गया आपको? दीदी मुझसे जाने को कहो, मैं चला जाऊंगा, लेकिन ऐसे खामोश मत रहो। दीदी मेरे चेहरे से भी नफरत हो गई है क्या आपको? ठीक है, जब भाई कहकर आओगी ना तब देख लूंगा। मामा अगर मैं सिर्फ आपका भांजा होता तो यहाँ कभी नहीं आता, आपका दोस्त हूँ बचपन से, इसलिए आया हूँ। मामा ये सब क्या हो रहा है? मामा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मामा पुरुषोत्तम कितना बदल गया है, आपकी शादी को रोकने के लिए वो क्या क्या नहीं कर रहा है। अपनी चांदनी की शादी उस कोडिया रसू से करवाने की बात चल रही है उसकी। चांदनी की शादी पक्की करवाई है क्या? वो भी है खूनी के साथ? वही मेरा दामाद है, अब क्या करना है? कौन? वो खूनी मेरी चांदनी के साथ शादी करेगा क्या? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं तुम सबको मार के अंदर जाऊंगा। मेरी बेटी की शादी मैं किसी से भी करवाऊं इससे तुझे क्या? अरे आप पागल हो गए हो क्या? तुझसे शादी करने के लिए लड़की मिल सकती है तो मेरी बेटी से शादी करने के लिए लड़का नहीं मिलेगा? तू जा ना। ये सब हो क्या रहा है? मेरी बेटी की शादी रोकने वाला तू होता कौन है? चांदनी हमारी घर की लक्ष्मी है, मेरे गुस्से की वजह से उसकी जिंदगी खराब मत करो। तुझे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिसकी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। तू जाके उस सोडा वाली से शादी कर ले। चांदनी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, रुको। ये सब यहाँ पर हो क्या रहा है? हाँ वो एक शराबी है, एक खूनी के साथ तुम्हारी शादी हो रही है तो मैं खामोश रहूंगा क्या? अरे तुम चलो पहले मेरे साथ, चलो घर पे चलते हैं। ए, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हें तो सिर्फ अपनी जिंदगी की पड़ी है ना, चले जाओ यहाँ से। ये सब देखकर मैं नहीं जा सकता। ए तू हाँ मेरे साथ। ए ए छोड़ से। अरे छोड़ो मुझे। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, चल निकल। ये सब छोड़ कर मैं नहीं जा सकता। हाँ तू जा रसूद खरीद रहा है क्या? छोड़ो। ए क्या बकवास कर रहा है? एक खूनी के साथ उसकी शादी करवाना चाहते हैं? अरे उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी यार। चलो यहाँ से। आप चलो चलो। क्या कर रहे हैं यहाँ से? चलो बेकार लोग, पागल हो गए क्या? किसी के साथ भी रिश्ता जोड़ देते हैं। मैं खून कर सकता हूँ लेकिन शराब नहीं पीऊंगा। तो फिर मामा आज तुमने इतनी क्यों पी ली? मामा बोला तो था मेरी दीदी का पति शराब पीकर मर गया था, इसलिए मैंने ना पीने की कसम खाई थी, लेकिन बहुत बेइज्जती कर दी मेरी। लगा था शराब पीने से दर्द कम होगा, लेकिन वो तो दर्द और भी बढ़ता जा रहा है भाई। मेरा घर खुशियों से चहक रहा था लेकिन आज शमशान की तरह लग रहा है। दूसरे को रुलाने वाला इंसान खुद एक दिन रोता है मामा। सबकी वजह मैं हूँ कह रहे हैं, इसलिए कहते हैं किसी से ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, वो या तो जख्म देगा या जख्म दिलाएगा। इसीलिए मैं किसी से दिल नहीं लगाता और कोई मुझसे प्यार भी नहीं करती है। सही है, तुझे मुझ पर प्यार नहीं है ना? चल मामा घर में चलते हैं। आ जाओ मामा। वो मंदिर है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अरे तो फिर नहा के आते हैं ना। ये सब लोग इधर ही है ना,
मैं भी यहीं पर। अरे मामा, मामा उठो मामा। हे भगवान, अपने बच्चे को इस हालत में देखूंगी ऐसा नहीं सोचा। मामा उठो। कल सुबह ही सबको बुलाकर एक फैसला लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। ए रानी, तू मुझे वहाँ लेकर जाएगी या नहीं? नानी, मैं कह रही हूँ ना, वहाँ मत जाओ। मानती क्यों नहीं? आज मुझे वहाँ जाना ही है, बहुत दिनों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। कनका, तुम कार में रहना, मैं बात करके आता हूँ। ठीक है पापा। अरे सुनो, कहाँ हो? अभी आई जी। बताइए क्या लेंगे? नहीं, वो सब कुछ नहीं चाहिए जी। नमस्ते। आपके सामने अचानक आकर खड़ा हो गया, आप सोचकर उलझन में होंगे ना। कलिनिया जब कॉलेज से आ रही थी तो कुछ लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। कलिनिया किसी तरह उनसे संभल कर रात हो गई। पूछताछ करने के बाद पता चला कि वो कोड़ी आरसू के आदमी निकले। मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ है, उसे सही सलामत आपके घर में सौंप दूं तो मुझे चैन मिलेगा। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं वो आप बता सकते हैं। दोनों में से किसी एक से शादी करने के लिए मेरे पापा ने कहा था। मैं भी देखता हूं कि वो शादी कैसे करता है। मेरा भाई शादी कर रहा है तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? तू अपना मुंह बंद रख। लगता है वो लोग आने लगे हैं। अब आप जरा अंदर बैठिए, मैं अभी आता हूं। ठीक है। मैं पहुंच गया हूं, जो कुछ भी होगा आपको बताऊंगा। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ बोलता रहूंगा।